प्रदेश भर में बारिश कहर बरसा रही है। ऐसे में बारिश से नुकसान के कई मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कुमारहट्टी में स्थित गांव पट्टा मोड़ में एक 5 मंजिला भवन लगातार हो रही बारिश और पानी के निसाव के चलते धाराशाही हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान के गिरने से मकान मालिक को करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि नेशनल हाईवे NHAI द्वारा लगातार चलाई जा रही मशीनों और जल शक्ति विभाग द्वारा बिछाई गई पानी की मेन लाइन में रिसाव के चलते ये हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब ये बिल्डिंग गिरी तो सारा घर का सारा सामान बिल्डिंग में ही था, जिससे उनको भारी नुकसान हुआ है। बाकी क्या कहना है मकान मालिक का सुनिए। भाई साहब, क्या आपके बताइए, थोड़ा आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? रोशन लाल। रोशन लाल जी, क्या आज आपका नुकसान हुआ? हमने सुना है कुछ, क्या नुकसान हुआ बताइए। सर, 5 मंजिल बिल्डिंग है जी, सारा घर का सामान अंदर ही है जी। पिछले 2-3 सालों से ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन NHAI अपना PWD IPH का सबसे बड़ा खोलिए बंद है, सारा पानी की वजह सारा नुकसान। ये तो आपका इसमें कितना नुकसान हो गया है? कम से कम 1.5 करोड़ का है। 1.5 करोड़ का जी सर। ये कब, ये घटना घटी कब है? सुबह 4 बजे, 4:30 के करीब आज। आपको पता कब लगा? सुबह 6 बजे, 5-6 बजे पता लगा। तो आपने इसमें कब से रहना छोड़ा हुआ, इस मकान में? 1-1.5 महीना हुआ। तो क्या कारण है कि आपका मकान जो है जो गिरी गया, इसका क्या ऐसी क्या वजह है इस मकान गिर गया? सर, NHAI का काम लगा है, कभी कर रहे, कोई सुनना नहीं, हमें तो सबको बता रहा था। सारी पुलिया बंद थी और सारे पानी इसमें आता था सारा, इन्होंने जितना काम करना, सारी बिल्डिंग हिल हिल के हमारी सारा नुकसान हो गया, सारा बिल्डिंग। बहुत बार कंप्लेंट करी है ना जी, बट फिर भी पानी इधर आता रहे। ये कोई विभाग का अधिकारी या कोई जिले का अधिकारी आपके पास आया है इस घटना के बाद? जी, DC साहब आए थे जी। अच्छा अच्छा, पुलिस ले गई है जी रिपोर्ट, पटवारी साहब आने वाले हैं। तो कितने मंजिल बिल्डिंग थी आपकी है? सर, 5 मंजिल। 5 मंजिल बिल्डिंग। घर का जितना सामान था सारा इसके बीच में ही अभी पड़ा, बहुत नुकसान हुआ हमारे यहाँ। तो विभाग को आपने इसकी सूचना दी है? NHAI को और IPH विभाग को बताया आपने भी ऐसा हो गया? उनको पता है? उनको हाई कोर्ट में केस चला है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? जो नुकसान है वो मिल जाए जी, बाकी जिंदगी बच गई। तो आप कह रहे हैं कि आपको कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान जी सर इस हादसे में हुआ है? जी सर। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।